तो कोई माइका लाल अपने को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितेशी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत की। मैं समझ सकता हूँ यूपी तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को, सपा को, इनको सब पार्टियों को हराया और खूब मेहनत की इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो और जगह जगह बनेगी उत्तर प्रदेश के ये जो नतीजे आए, 100-125 लोग आप जीते, इतने सारे चेयरमैन हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग जो जीते ये एक इंडिकेट करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग अब तैयार हैं और उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी अच्छा अच्छी सरकार आए, उनकी तरक्की करे अच्छे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो लेकिन बहुत जरूरी होता है कि संगठन तैयार हो, संगठन जो अभी इन भाई साहब ने कहा कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो अभी थोड़ा लैकिंग है। जो चुनाव लड़ने हम बताओ, गुजरात के अंदर हम गए, पहला चुनाव था हमारा जब पिछले साल अप्रैल या मई में हम एंटर किए थे, पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद अप्रैल या मई में एंटर किए थे और तब हमारा 1% से भी कम वोट था गुजरात में, और दिसंबर में हमारा 14% वोट आया। तो 14% वोट इनके मोदी और अमित शाह के गढ़ में 14% वोट जाके लाना कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। तो हर गांव के अंदर हर बूथ पे हम 10-10 लोगों की कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी काम करती है, मतलब कागजों की कमेटी नहीं होती। वो संगठन पूरा अगर बन गया अपना तो कोई माइका लाल अपने उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। जितने लोग आप जीते हैं आप सब लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है हमें आगे जिताने की। जैसे दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली में वोट देके पहली बार जिताया, 28 सीट आई थी, लेकिन वो 49 दिन की सरकार एक ऐसा अजूबा थी, वो लोग नायक फिल्म की तरह लोग देखते हैं उस 49 दिन की सरकार को, कि उस एक 49 दिन की सरकार ने असीम संभावनाएं पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए खोल दी। वो 49 दिन की सरकार आई और उसके बाद तो फिर बस 67 सीटें, फिर 62 सीटें हम अपने काम के दम पे लेके आए। ऐसे ही आप लोग हैं, आप लोगों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। जैसे आप सभी चेयरमैन बता रहे थे मैंने ये किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना काम इतना अच्छा कर दोगे तो वो खुशबू चारों तरफ उत्तर प्रदेश में फैलेगी। एक चेयरमैन काम करेगा आसपास के पूरे इलाके में, आसपास कई इलाकों में फैलेगा, यार वहां पे आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है वो बड़ा अच्छा। एक सभासद अच्छा काम करेगा कि वहां पे उनका सभासद है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसने स्कूल ठीक कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो आप लोगों के जरिए एंट्री मिलेगी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और मैं आऊंगा पक्का। मैंने इनको भी बोल दिया कि अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही का तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और का शुक्रिया।